बड़ी सिंपल सी हमारी आज शुरुआत होगी। एंड उसमें सबसे पहली चीज़ जो मैं करूँगा वो मैं कुछ प्लकिंग करूँगा। प्लकिंग 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 एक निकाल दिया, प्लकिंग 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 दो निकाल दिया, प्लकिंग 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 तीन निकाल दिया, प्लकिंग 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 चार निकाल दिया, प्लकिंग 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 पाँच निकाल दिया, प्लकिंग 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 छः निकाल दिया, प्लकिंग 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 सात निकाल दिए, प्लकिंग 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 आठ निकाल दिए, प्लकिंग 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 नौ निकाल दिए, प्लकिंग 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 दस निकाल दिए, प्लकिंग 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 ग्यारह निकाल दिए, प्लकिंग 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 बारह निकाल दिए, प्लकिंग 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 तेरह निकाल दिए, प्लकिंग 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 चौदह निकाल दिए, प्लकिंग 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 निकाल दिया, प्लकिंग 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 सोलह निकाल दी, प्लकिंग 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 सत्रह निकाल दी, प्लकिंग 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 अठारह निकाल दी, प्लकिंग 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 उन्नीस निकाल दी, प्लकिंग 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 बीस निकाल दी, प्लकिंग 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 इक्कीस निकाल दी, प्लकिंग 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 बाईस निकाल दी, प्लकिंग 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 बस 2022 चल रहा है, सो वी आर जस्ट गोइंग टू स्टॉप एट नंबर 22। अब मेरे पास ये एक सेकंड, सॉरी, अब मेरे पास ये एक सिक्का देख सकते हैं, ये 2 रुपए का सिक्का है, बहुत बेकार है, नेवर माइंड अबाउट दैट। विल क्लोज, वी आर गोइंग टू क्लोज दिस एंड नाउ आई एम गोइंग टू लाइट सम मैचेस। अब इसमें तीन अलग अलग टाइप की लाइट्स आपको नजर आएंगी, ये वाइट ऑरेंजिश, दिस इज ब्लूइश, दिस इज ऑरेंज, वाइट ऑरेंज, वाइट ऑरेंज, वाइट ऑरेंज, वाइट ऑरेंज, वाइट ऑरेंज, वाइट ऑरेंज। ओके, नाउ कैन यू टेल मी द कलर ऑफ माय लैम्प? मैं कलर चेंज करूं तो नो, नाउ, नो, नाउ, नो, नाउ, ओह, स्मार्ट लैम्प बावला हो गया।
जी आप यू 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 कर रहा है, ओके ओके आई टेल यू व्हाट, आई टेल यू व्हाट, आई टेल यू व्हाट, आई एम गोइंग टू क्लोज दिस लाइट। कुंभ नाम है कोई, अनजान है कोई, किसको खबर कौन है वो, अनजान है कोई। अच्छा बाय द वे, बिग थैंक्स टू शिवांगी मौर्या, बहुत बढ़िया है वो। उसने मेरे को एक हॉरर स्टोरी भेजी है, सो थैंक्स अ लॉट शिवांगी। किसी ना किसी दिन मुलाकात होगी। सो शी सेंट मी दिस हॉरर स्टोरी, हॉरर स्टोरी, हॉरर स्टोरी अबाउट अबाउट द टाइम शी वॉज इन अ हॉस्टल इन श्रीनगर, कश्मीर वाला श्रीनगर नहीं, उत्तराखंड में भी एक श्रीनगर है जिसका नाम है श्रीनगर गढ़वाल। ओके, सो शी सेंट मी दिस फ्रॉम श्रीनगर गढ़वाल। आई एम सॉरी इफ़ यू आर हैविंग अ सीजर, अगर आपको सीजर्स आ रहे हैं तो कृपया करके अपनी आँखें बंद कर लीजिए। बट शी वॉज टेलिंग मी अबाउट दिस हॉस्टल, और वो वहाँ पे रहती थी और कोई एग्ज़ाम देने के लिए या प्रिपेयर करने के लिए वो गई थी वहाँ पे, एंड कुछ और भी लड़कियाँ वहाँ पे रहती थी, कोई पीजी कर रही थी, कोई कुछ कर रही थी। तो रिगार्डलेस, तो क्या होता था कि वो दो मंजिला होगा ना, तो ऊपर वाली मंजिल में तो शिवांगी और दो तीन लड़कियाँ और रहती थी, और नीचे जो मकान मालिक था लड़के वो रहते थे। तो क्या हुआ कि एक दिन ना शिवांगी उस आई थिंक हॉस्टल उस पीजी में अकेले थी, एंड उसको ऊपर छत पे किसी के चलने की आवाज़ आई। ओके ओके ओके, देखा पीछे कुत्ता भी भौंक रहा, उससे एक अच्छा इफेक्ट आता है हॉरर स्टोरी में। तो ओके दैट्स इनफ डॉग प्लीज़। ओके सो मैं कह रहा था कि शिवांगी सो रही थी अकेले और उसको छत पे किसी की चलने की आवाज़ आई, और उसको लगा हो सकता है कि उसके आस पड़ोस में जो लड़कियाँ सो रही थी रह रही थी वो ऊपर चल रही होंगी, क्योंकि यू नो लड़कियाँ देर देर रात तक बात भी करती है कोई, तो उसको लगा कि वो करी होंगी। एंड फिर उसको उसके बगल वाले कमरे में से मुक्के मारने की आवाज़ आ रही थी, कि जैसे कोई दीवार पे मुक्का मार रहा हूँ। बट हियर्स द ट्विस्ट, पे यार अच्छी खासी स्टोरी चल रही थी, मेरी स्टोरी बर्बाद कर दी। ओके ओके, बट हियर्स द ट्विस्ट, उस कमरे में कोई नहीं रहता, इट वॉज लॉक्ड, उस कमरे पर ताला लगा हुआ था। तो फिर मुक्का कौन मार रहा था? तो वो अपने बगल में उसके एक दीदी रहती थी, उनका एक बच्चा था, उनके पास गई। तो उस वक्त रात में तो उसने कुछ नहीं बताया और रात को शिवांगी वहीं सो गई, लेकिन फिर सुबह शिवांगी को बताया कि दरअसल क्या हुआ था कि उसी मोहल्ले में जहाँ पे इनका ये हॉस्टल पीजी वगैरह जो भी था वहाँ पे एक कोई रहता था, कोई आई थिंक कोई बूढ़े रहते थे या कौन रहते थे, एंड समवन फ्रॉम देयर फैमिली डाइड बिकॉज ऑफ द ओनर ऑफ द हॉस्टल। बस इतना ही बताया, इसका क्या मतलब है भगवान जाने, या वो हॉस्टल वाला जाने या जिनके घर के मर गए वो जाने। आई रियली लाइक दिस इफेक्ट, एक सेलाउलेट इफेक्ट आ रहा है इससे। डैम आई कैन मेक एन एंटायर वीडियो विद दिस इफेक्ट, आई लाइक दिस, आई होप इट डजंट डिस्ट्रॉय माय लाइट, बट रिगार्डलेस या। तो उनकी वजह से उन पड़ोसी का कोई मर गया था, एंड पड़ोसी ने पता नहीं क्या पागलपन में जो मर गया था उनके फैमिली का मेंबर, उसकी अस्थियाँ उसकी हड्डियाँ जो थी कॉलेज के पीछे दफना दी थी। सो देयर वाज दिस आइडिया दैट बिकॉज द बोन्स वर बरीड इन द हॉस्टल, उसकी आत्मा वगैरह कुछ होगी, वो आई होगी। फिर इन सब ने जो हॉस्टल के मालिक थे भैया उनको बताया, उन्होंने किसी पंडित को बुलाया, हॉस्टल बकायदा खाली करना पड़ा, और वहाँ पे फिर पूजा पाठ हुई, और कई पूजा पाठ हुई, और क्योंकि पूजा पाठ करवाने के बाद भी यहाँ पे आवाज़ें आती थी तो रिपीटेडली वहाँ पे करवानी पड़ती थी, जैसे हेपेटाइटिस के इंजेक्शन नहीं लगते वैसे ही वहाँ पे
पूजा के इंजेक्शंस लग रहे थे। लेकिन एक थ्योरी ये भी मानी जाती है कि चूँकि उस हॉस्टल के बाजू में एक शमशान घाट था, तो हो सकता है कि कोई उस शमशान घाट पे आया हो। अक्सर कहते हैं कि किन्नर वहाँ आते थे तो उसकी आवाज़ आ रही हो, लेकिन दैट डज नॉट एक्सप्लेन वाई शी वॉज हियरिंग साउंड फ्रॉम द नेक्स्ट रूम विच वॉज लॉक्ड। तो मेरे को इतना ही कहानी का पता है, कभी फुर्सत में शिवांगी से पूछेंगे। बट या दिस वॉज द स्पूकी स्टोरी, और इस लाइटिंग इफेक्ट में मेरे को अभी वो याद आया स्टोरी का, सो आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग राइट। आई रियली लाइक दिस लाइटिंग इफेक्ट, आई नो अबाउट यू गाइस बट आई रियली लाइक दिस लाइटिंग इफेक्ट, इट हैज सच अ स्पूकी फीलिंग। जो हॉरर स्टोरी थी वो इतनी स्केरी नहीं थी, बट आई थिंक इस लाइटिंग इफेक्ट ने उसको थोड़ा और स्केरी बना दिया। सो Awesome. But anyways, I hope that you actually like this. I personally do hope that you actually like this. And if you did not, then let me just try some more plucking. ठीक है, 21 एक और 21 22 पर से करेंगे. Plucking number 1, plucking number 2, plucking number 3, plucking number 4. इसके अंदर उसका नोट करूंगा, ठीक है ठीक है। दैट इज ऊपर सुपर कूल। ओके, आई वांट यू टू डू वन मोर थिंग। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक और चीज़ करें, उप्स माइक प्लीज, तो आप एक और चीज़ करें। आप मेरी उंगली तो देख सकते हैं राइट, ऑब्वियसली। तो अब हम आपकी थोड़ी आईबॉल एक्सरसाइज कराएंगे, जिसकी वजह से हो सकता है कि अब आपको नींद आनी शुरू हो जाए। तो इस हाथ की इस बीच वाले चीज़ पे फोकस करना, और मेरे तरफ मत देखना, भूल जाओ कि मैं हूँ या नहीं हूँ। आप बस इस पे फोकस करना है, इस उंगली पे, और आपकी आंखें जब इधर से उधर घूमेंगी तो उससे अच्छी एक्सरसाइज होंगी। ये बहुत अच्छी बात है वैसे भी, अगर आपको स्कूल में किसी ने सिखाया ना हो दैट मूविंग योर आइज लाइक साइड वेज एंड अप एंड डाउन, उससे जो आँखों की मसल्स है वो और फ्लेक्सिबल होते हैं, जिससे आपकी आँखें बेहतर होती। सो follow ऊपर गई, अब नीचे आती है, फिर से ऊपर गई, अब नीचे आती है, फिर से ऊपर गई, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आती है।
एंटरटेन भी होना चाहिए। देखो वैसे तो आपको दुनिया भर के ASMR मिल जाएंगे जो रिलैक्स करने के लिए, मैंने कहा रिलैक्स तो होते रहेंगे, थोड़ा सा मनोरंजन भी हो जाए इंसान का, तो अब है क्या मतलब एंटरटेनमेंट के फिर और क्या साधन बचते हैं ना ऐसे लॉकडाउन और ऐसे हालात में। तो ठीक है भाई, ऐसे थोड़ा सा आपको एंटरटेन भी कर लेते हैं, तो आपको एंटरटेन भी कर दिया, ठीक है ना। अब ये नहीं कह सकते कि मज़ा नहीं आया, बहुत मज़ा आया, और मैं ये मज़ा हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। इसलिए ये वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरा PayPal और UPI है। अब मेरा UPI नया वाला हो गया है, इट्स सॉफ्ट स्पोकन शैंक @ICICI, तो उस पर कर सकते हैं। अभी के लिए चलते हैं।